आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ चंदा कोचर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप की वजह से सुर्खियों में है। आरोप है कि 2008 के दिसंबर में वीडियोकॉन समूह के मालिक वेणुगोपाल धुत ने बैंक की सीईओ और एमडी के पति दीपक कोचर और उनके दो संबंधियों के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई थी और इस कंपनी के माध्यम से करीब 3250 करोड़ रुपए का लोन पास करा दिया। बाद में बैंक ने इस कंपनी को डिफाल्टर घोषित कर दिया और लोन वापस लेने का मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया। नीरव मोदी मामले के बाद प्राइवेट बैंक के माध्यम से हुए इस घोटाले को सबसे बड़ा घोटाला बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक सबसे हैरानी करने वाली बात यह है कि दीपक कोचर को इस कंपनी का ट्रांसफर वीडियोकॉन समूह के मालिक द्वारा 3250 करोड़ रुपए का लोन मिलने के 6 महीने बाद ही कर दिया गया। बाद में आईसीआईसीआई बैंक ने इस लोन को एनपीए घोषित कर दिया, जिसमें करीब 2810 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं की गई। उधर आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी सीईओ चंदा कोचर पर लगे आरोपों का बचाव किया है। बैंक ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि बोर्ड को बैंक के एमडी और सीईओ चंदा कोचर पर पूरा भरोसा है। सभी तथ्यों को देखने के बाद बैंक इस नतीजे पर पहुंचा है कि भाई भतीजावाद और हितों के टकराव सहित भ्रष्टाचार की जो अफवाहें चल रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।